हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा, आज हमने बनाया है भिंडी मसाला ज़ीरो ऑयल कुकिंग बिना तेल की। ये सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। स्पून ये धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये लाल मिर्च पाउडर, नमक जो है स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पून, ये हल्दी पाउडर, और हमने ये एक हरी मिर्च काट के ले लिया है, और एक ये प्याज काट के हमने ले लिया है। अब सब्ज़ी को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। एक कटोरी ये हमने भिंडी काट के ले लिया था, इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और ये जो रहा नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, ये रहा धनिया पाउडर, साथ में इसे हमें मिक्स कर लेना है। भिंडी के साथ मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ये मिक्स हो गया है, अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। पैन को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है। इसमें जाएगा जीरा, जीरे का कलर चेंज हो गया है। ये जाएगी इसमें प्याज, प्याज को डाल देते हैं, और ये गया हरा मिर्च। अब इन्हें भी साथ में हमें चलाते हुए अच्छे से भून के तैयार करना है। प्याज जो है भून चुका है, मिक्स किया हुआ ये मसाला जो भिंडी है ये डाल देते हैं। अब इन्हें भी साथ में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और भूनना है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भिंडी को हमें पका के तैयार करना है। 5 से 7 मिनट लग गए हैं भिंडी को पकने में। आप देख सकते हैं कलर जो है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बहुत प्यारा कलर है। फिर से वापस इसे हम चला देते हैं। बहुत अच्छे से भिंडी की सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है। ज़ीरो ऑयल भिंडी मसाला कुकिंग जो है बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए।